नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद केमी चैनल से, और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्किल्स विद केमी पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी लोटस का व्यू। तो आप सभी लोग जानते हैं 3 से 4 दिन पहले दोस्तों मैंने लोटस की रिपोर्टिंग की है, तो उसमें कॉमेंट आया था दोस्तों कि जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं और वीडियो में एक बार अपडेट दे दूं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 3 से 4 दिन पहले ये लोटस रिपोर्ट हुआ है। देखिए आप लोग टब देख सकते हैं, ये वही वाला टब है और इसके अंदर वही ट्यूबर लगा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों कॉर्नर में ये हमारी प्यारी सी लीफ आनी स्टार्ट हो गई है। देखिए दिख रही है दोस्तों, तो ये देखिए सिर्फ 3 से 4 दिन के बीच के अंदर ही हमारी जो लीव्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों इस वक्त आप लोग अपने प्लांट को रिपोर्ट कीजिए और अभी विद इन 3 to 4 डेज मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि आगे लोटस में क्या करना है, जो ये ग्रोथ स्टार्ट हुई है इसको फास्टली ग्रो कैसे करें। सो आई होप आप लोगों को ये दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, और साथ ही मैं आप लोगों को वाटर लिली भी दिखाऊंगी। वाटर लिली में भी देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, मिडिल पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। सो गाइज आपने देखा कितनी तेज़ होती है ग्रोथ हमारी रिपोर्टिंग के बाद। 3-4 दिन में आ जाते हैं पत्ते, लेकिन अगर ना आए दोस्तों, अगर ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पत्ते थोड़े कभी कभी लेट हो जाते हैं और कभी कभी फास्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर 3-4 दिन के अंदर ऐसे पत्ते नहीं आ रहे हैं तो वेट कीजिए, हो सकता है 10 दिन में आए, हो सकता है 20 दिन में आए, हो सकता है 30 दिन में आए। प्लांट पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप लोगों के प्लांट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर लीफ नहीं आई है और उसके बाद अगर आप ये 3-4 दिन बाद जो मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए निकालूंगी प्रैक्टिकली कुछ करते हुए अपने प्लान में, तो उस वीडियो को देखेंगे आप, और अगर उस वीडियो को कर लेंगे तो फिर आपके 1 हफ्ते के अंदर अंदर पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि रिपोर्टिंग के बाद पत्तियाँ नहीं आई, मेरी तो आ गई, आकी नहीं आई, ऐसा मत सोचिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पत्तियाँ कभी कभी प्लांट पे भी डिपेंड करता है। प्लांट कभी कभी छोटा होता है, एक तरह से उसकी एज कम होती है, तो वो प्लांट थोड़ा लेट कर पाता है पत्तियों को, लेकिन करता ज़रूर है। अंदर का ट्यूबर दोस्तों, लोटस का प्लांट ऐसा प्लांट है अगर वो सही से रिपोर्टेड है तो उसके अंदर के ट्यूबर्स कभी नहीं मरेंगे। और इसकी रिपोर्टिंग में कुछ है ही नहीं दोस्तों, सॉइल डाली, सॉइल के ऊपर हमने वर्मी कंपोस्ट डाली, ट्यूबर रखा, ऊपर से सॉइल डाली, हो गई रिपोर्टिंग। इसकी रिपोर्टिंग में कुछ है ही नहीं जो सही तरीका सही हो, मतलब आप लोग कुछ गलत इसमें कर ही नहीं सकते। इसके जो ट्यूबर्स होते हैं अंदर वो कभी मर ही नहीं सकते। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है और अगर आप अभी भी रिपोर्टिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों मैं दूंगी, और मैं एक हिंट दे रही हूँ नेक्स्ट वीडियो का, 3-4 दिन बाद मेरा वीडियो इस चीज़ पर आएगा कि इस प्लान में आगे चीज़ ग्रोथ को फास्ट कैसे करना है। क्या अपनी लोटस को देना है, क्या अपनी वाटर लिली को देना है, दोनों के फर्टिलाइज़र अलग होंगे दोस्तों, दोनों ही फर्टिलाइज़र्स को मैं एक वीडियो में कंबाइन करके बनाऊंगी। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आया होगा।